Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों की कायो पेरिको आइलैंड के डोन एल रूबियो से बहुत जबरदस्त फाइट हो गई थी, क्योंकि उसने हमारे दोस्त के लॉस सैंटोस में फरारी वाले शोरूम पर अपने टेररिस्ट को लेकर पूरा अटैक कर दिया, पूरा शोरूम जला दिया, वहां की सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दी, और जो बाकी बची कुछ गाड़ियां थी उन गाड़ियों को डिफेंड करने के लिए और शोरूम की आग बचाने के लिए हम लोग भी उससे लड़ पड़े, और हमने वहां पर एल रूबियो को किडनैप कर लिया. और हमने सोचा कि इसको ले चलते किसी सीक्रेट बेस पे, इसे टॉर्चर वगैरह करेंगे और कोशिश करेंगे इससे ये बात पता करने की कि आखिरकार अब डगन बॉस को कैसे मारा जाए, क्योंकि अगर हम लोग उसे मार देते ना तो अपनी सारी प्रॉब्लम यूं ही सोल्व हो जाती. बट हमें मालूम पड़ा कि डगन बॉस कोई हल्का आदमी नहीं है, वो अपनी पूरी फोर्स वहाँ पर लेकर आया और चुटकियों में उसने एल रूबियो को हमारे हाथों से छुड़ा दिया. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, लेस्टर उसके साथ में था. मतलब कि यार देखो, अगर जब तक लेस्टर उसके साथ है ना डगन बॉस के, तब तक तो भाई हम लोग डगन बॉस से किसी कीमत पर नहीं जीत सकते. और हमने अगर डगन बॉस को नहीं मारा ना तो सारा काम खराब हो जाएगा. अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड भी यहाँ से भाग चुका है, लास्ट टाइम हमें उन्होंने बेहोश कर दिया था. और ट्रेवर तो इस टाइम हॉस्पिटल में है, अपनी हालत फिलहाल थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, बट काफ़ी ज़्यादा दुख इस बात का है कि डगन बॉस ने हमारे घर पर अटैक करवा के, टेररिस्ट के थ्रू अटैक करवा के यहाँ पर जितने भी बंदे थे उन सबको मार दिया. और उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि अपना जो डॉग था उस टाइम पे वो भी अपने घर में ही था और बेचारा वो भी मारा गया उस अटैक में. मेरा वैसे मन तो कर रहा था कि यार मैं भी ना लिबर्टी सिटी भाग जाता हूँ अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड के साथ, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सेफ रहेंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और माइकल की फैमिली को भी हम लोग वहीं पर बुला लेंगे. बट अभी ना हमें अपने डॉग का बदला डगन बॉस से लेना है. इस बेचारे की जो बॉडी है ना वो इस टाइम आप लोग देख सकते हो, इस कार के अंदर मैंने डाल दिया है. और अभी ना इसका फ्यूनरल करने के लिए मुझे जाना ही होगा. बट हाँ मेरे प्यारे हस्की, मैंने तेरा नाम नहीं रखा पर तेरा बदला जरूर लेंगे. फिलहाल यार जल्दी से अभी गाड़ी में बैठते हैं. गाड़ी में लॉक लग गया, एक बारी ओपन कर लेता हूँ. लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं. और मुझे ना तुरंत यार ट्रेवर को भी देखने के लिए जाना है, क्योंकि आप लोग को पता होगा जब लास्ट टाइम हम दोनों बेहोश हो गए थे तो अपनी सिचुएशन तो ठीक हो गई थी और हमें कोई हॉस्पिटल भी नहीं लेकर आया था. वो तो रैंडमली किसी ने कॉल करा, फिर एम्बुलेंस आई, हमें उठा के ले गई, तो हम तो वहाँ से ठीक हो गए. पर अपना दोस्त ट्रेवर अभी भी हॉस्पिटल में ही है. एक हफ्ता हो चुका है, चलकर देखते हैं उसकी हालत ठीक हुई या फिर नहीं. फिलहाल हाँ, चर्च अपने घर के ना काफ़ी ज़्यादा पास में ही है. इस ग्रेव यार्ड में ही मुझे अपने प्यारे डॉग को डालना पड़ेगा. काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है पर यार इसका बदला हम लोग जरूर लेंगे. मैं चाहता तो लिबर्टी निकल लेता, वो अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड भाई भले उसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स है, पर जब उसने देखा ना कि डगन बॉस पे इतने टेररिस्ट हैं कि वो हमें कभी भी आके मार सकता है, वो चीज़ देख के भाई वो भी वहाँ से भाग गया. यहाँ पे ना आगे वाली साइड पे एक जगह खाली है जहाँ पे मैं अपने डॉग की कॉफिन को डिग कर सकता हूँ. तो जितना कि मुझे उस पीछे वाले गार्डनर ने बताया है वो जगह यहीं पर थी. तो मुझे तो यहाँ पर वैसे कोई भी खाली जगह नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा आगे वाले एरिया पर चलते हैं. ओके, तो यहाँ पर अभी अभी डर्ट शायद किसी ने निकाली है. तो अपनी गाड़ी को मैं काम करता हूँ यहीं पर खड़े करता हूँ, एंड मुझे इसका बैक वाला गेट खोल के अपनी गाड़ी को इधर लाना होगा ताकि उस ग्रेव पे हम लोग अपने डॉग की कॉफिन को डाल पाएं. लेट्स गो, यहाँ पर अपनी गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है, भी बाहर निकलते हैं इससे. हाँ तो ये वाली जगह एकदम पूरी खाली पड़ी है जहाँ पर अपने प्यारे हस्की की ग्रेव आ जाएगी. इसको ओपन कर लेते हैं यार अभी, और अभी ये काम हमें अकेले खुद करना होगा जो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है. बट हाँ सॉरी डॉग. तो गाइस अभी ना मैंने अपने प्यारे हस्की की कॉफिन को गाड़ी से निकाल के सामने इस ग्रेव में रख दिया है, और मेरे पास ये कुछ फ्लावर्स हैं ये भी हम लोग उसके ऊपर रख देते हैं. बाकी सब कुछ ठीक है. मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये आंटी जी यहाँ पर आकर इतना रो किस ले रही हैं. मतलब मेरे से ज़्यादा दुख तो इन आंटी जी को हो रहा है इस बेचारे हस्की के मरने का. बट हाँ यार जो भी हुआ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ, तो भी हम लोग इसको यहाँ पर रख देते हैं एकदम प्यार से आराम से. ओके, तो ये ना फ्लावर्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, और अभी ना मुझे इस आंटी जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. या तो ये सही में रो रही है या फिर ये रोने की ना कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर रही है यार. बट हाँ यार जो हुआ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ. अभी ना हम लोग इसको पूरा का पूरा डर्ट के थ्रू कवर कर देते हैं और यहाँ से चलते हैं सीधा ट्रेवर के पास हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी भी जो हालत है ना वो मेरे को ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है. गाड़ी को ना मैं पहले लॉक कर देता हूँ, लॉक ही नहीं हो रही. ठीक है, तो अभी मुझे इसमें डर्ट ला के ना पूरा का पूरा इसे कवर करके यहाँ से बंद करना होगा,
फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस सारा काम कंप्लीट हो चुका है अपने हस्की के फ्यूनरल का। गार्डनर ने आके यहाँ पर इस ग्रेव को भी पूरा डर्ट से कवर कर दिया है, बट अभी तक ये आंटी जी यहाँ से नहीं गई है। ये स्टिल रोए जा रही हैं भाई, पता नहीं क्यों यार। इनका क्या रिलेशन था वो भी अपने डॉग से? खैर छोड़ो यार, क्या पता कभी इसकी हेल्प करी हो उस डॉग ने पहले गली वली में। तो यार अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। मुझे हॉस्पिटल जाना है भाई, यहाँ से सीधा ट्रैवर के पास। पर उससे पहले ना ये गाड़ी मैं अपने घर पे खड़ी कर दूंगा, क्योंकि ये जो कार है ये अपनी नहीं है। मुझे ये कार वापस करनी है जिनसे मैंने ये रेंट पे ली है। तो मैं अपनी गाड़ी अंदर कहाँ से लेकर आया था वैसे? शायद जहाँ तक मुझे पता है पार्किंग ना पीछे वाली साइड पर ही है। मुझे अपनी गाड़ी को पूरा उल्टा घुमा के ले जाना पड़ेगा। और अभी अपने पास गाइस कोई भी कार नहीं बची। आप लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम जब उनके बंदों ने हमारे घर पर अटैक करा था तो अपनी सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दी थी। और वो जो गाड़ी है वो फायरवर्क वाले भाई उठा के भी ले गए। पहले उन गाड़ियों में आग लग गई थी क्योंकि बहुत ख़तरनाक तरीके से वो ब्लास्ट हुई थी। तो फिर उन्होंने उस गाड़ी को बुझाया, फिर वो उठा के ले गए और उन्हें किसी कूड़े कबाड़े में फेंक दिया। एक आध गाड़ी फंसती तो हम लोग बैनी को देकर उसे रिपेयर भी करवा लेते, बट हाँ यार हम लोग उस टाइम इतने ज़्यादा बिजी थे, अपने पास टाइम ही नहीं था और उन गाड़ियों की आग बुझी नहीं रही होगी, इसलिए वो लोग लेकर उन्होंने इसे फेंक दिया। तो चलो यार अभी जल्दी से हम लोग गाड़ी को अपने घर तो आ ही गया, बगल में ही है घर। हाँ तो उसको मैं अपने गैराज में नहीं, अपने घर के एकदम आगे वाले एरिया पे ही खड़े कर देता हूँ। और अभी मुझे बीच रास्ते में से ना मेरे को कैब करके हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने पास टाइम नहीं है। वहाँ से फ्रैंकलिन की कार हम लोग उठा ही लेंगे। बाकी यहाँ मैं उन्हें फ़ोन करके बोल दूंगा जिनसे मैंने ये गाड़ी मंगवाई थी, वो लोग यहीं पर आके इस गाड़ी को वापस भी ले जाएंगे। मुझे इधर उधर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी जल्दी से ना मैं डाउनटाउन कैब को कॉल कर देता हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पे पहुँचें और मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आए। देखते हैं भाई आखिरकार ड्राइवर ओके कैब आ भी रही है सामने से। क्या पता अपनी जो कनेक्ट होनी है नेक्स्ट कैब वो इसी से कनेक्ट हो जाए तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, वरना चांसेस है कि यहाँ पर एक सामने से भी एक कैब आ रही है। शायद अपनी वो सामने वाली है, वेटिंग। हाँ ये वाली नहीं है, ये तो अपना लेफ्ट चला गया। तो चलो भाई अपनी गाड़ी भी आ चुकी है। ये रेड लाइट के चक्कर में मुझे इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है और अपनी कैब वो सामने वाली नहीं थी, अपनी ये राइट साइड से ही है। हेलो सर, इधर इधर। हाँ अरे भैंस की, ये कैसा ड्राइवर है भाई, मेरे को जिंदा पहुँचना है वहाँ पे यार, ये अलग ही है। अरे भाई ये क्या कर रहा है, दो तीन मिनटों में इसने गाड़ी रोक डाली भाई। ले यार हेलो, मेरे को खुद आना पड़ेगा, रुक जा मैं आ रहा हूँ भाई, तेरे बस की नहीं है गाड़ी चलाना। यार किसके साथ हम लोग बैठ के जाने वाले हैं? हाँ तो हाँ मुझे वे पॉइंट पे ले चल। अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा सबसे बड़े हॉस्पिटल पे लॉस सैंटोस के, क्योंकि ट्रैवर को वहीं पर एडमिट करवा देता तुरंत। फ्रैंकलिन ने हमें आकर बचाया वहाँ, मतलब बचाया तो वहाँ के लोगों ने था, बट फ्रैंकलिन भी टाइम पे पहुँच गया था, तो भी हॉस्पिटल में शायद फ्रैंकलिन भी हो सकता है। गाइस ये टैक्सी वाला हमें पता नहीं गाड़ी में बैठा के कहाँ चला गया है, कह रहा था थोड़ा सा फ्यूल भरवाना है, उसके बाद सामने शॉप से कुछ चिप्स लेने गया और अभी तक वापस ही नहीं आया भाई। मैं काम कर रहा हूँ भाड़ में जाए, मैं इसकी टैक्सी लेके खुद ही जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मतलब यार जरा सा पीछे हॉस्पिटल था, यानी कि पहले हमें छोड़ देता उसके बाद अपना फ्यूल वगैरह भरवाते रहता यहाँ पर आराम से। अभी खैर छोड़ो, भाड़ में जाए इसकी टैक्सी, हम लोग यहीं पर बगल में खड़ी कर देंगे, बाद में ये बेचारा पुलिस के थ्रू इसे ढूंढवा लेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी। हाँ मुझे मतलब यार एकदम बगल में छोड़ना था इसको, ये देख रही हो एकदम बगल में छोड़ना था, पर इसने कितने ड्रामे दिखाए यहाँ पर आने के लिए। लेट्स गो, अभी फिलहाल इसकी गाड़ी हम लोग यहीं पर खड़ी करते हैं। ओके तो अभी ना फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा हॉस्पिटल के अंदर और एक बारी ना आप लोग ध्यान से देखो कि ये जो बिल्डिंग है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। वैसे ये लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो सीधी सी बात है यार बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी और बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है इस हॉस्पिटल के। और गाइस ये दो पैरामेडिक्स खड़े हैं, इन्हीं में से किसी एक पार्टनर ने एक हफ्ता हो गया खैर इस बात को, तो हाँ उन्होंने हमारी जान बचाई थी जिस वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। तो पहले तो मुझे पता करना होगा कि आखिरकार ट्रैवर है कहाँ पर, क्योंकि चार फ्लोर ऊपर है और दो फ्लोर नीचे हैं और भी भाई पता नहीं कितने ज़्यादा। ओके तो यहाँ पर कोई है नहीं, वेट मेरे को ना वेट करना पड़ेगा, शायद से पहले यहाँ पर कोई आएगा और उससे पूछ के हम लोग, वैसे मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ, शायद ये वही डॉक्टर है जो कि ट्रैवर को भी देख रहे हैं। ओके 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 तो अभी ना मेरी इस डॉक्टर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ना लास्ट नाइट ट्रैवर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी जिस वजह से उसको एमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा और वहाँ पर अभी उसे कोई और अच्छा डॉक्टर देख रहा है।
अब हमें वहां पर जाके मालूम पड़ने वाला है कि आखिरकार सिचुएशन कैसी है, ट्रेवर ठीक हालत में है या फिर नहीं। तो सीन क्या हुआ था ना, हमें तो काफी जल्दी होश आ गया था क्योंकि हम सिर्फ बेहोश हुए थे उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से, हमारे साइड में थोड़ा डैमेज हुआ था, बट ट्रेवर के ना कुछ बुलेट्स पड़ी हुई थी जिस वजह से काफी ज्यादा उसके ब्लीडिंग हो गई और अभी उसको होश नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग आ चुके हैं इमरजेंसी वार्ड में। तो वैसे मुझे पता करने की जरूरत नहीं है इनसे कि आखिरकार ट्रेवर किस रूम में है, क्योंकि मुझे उस डॉक्टर ने बता दिया कि वो इमरजेंसी बिल्डिंग के रूम नंबर 219 में है। तो यानी कि हमें सेकंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाना है उससे मिलने के लिए, यानी ये फर्स्ट हो गया, ऊपर वाला सेकंड हो गया। तो भी हम लोग जल्दी से चलते हैं, पीछे एक अंकल जी खड़े हैं, शायद वो दवाई लेना चाह रहे हैं बट वो उन्हें दवाई दे नहीं रहा है, पता नहीं क्या सीन है। ये भाई साहब जी यहाँ पर अपना एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं और इनको देखो, मैं यार इनको क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ इन्हें कि कौन कॉफी पी रहा है कौन पैसे निकाल रहा है। मुझे भाई ये भी ट्रैवर से मिलना है यार, उससे मिलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भी जल्दी से हम लोग चलते हैं, यही है रूम नंबर 219। तो ट्रैवर जहाँ तक है यहीं पर होना चाहिए। यहाँ पर तो यार सारे के सारे बेड खाली पड़े हैं, दो तीन यहाँ पे बंदे और वो रहा ट्रैवर। ओ भाई भाई इसको, ये बेचारा अभी भी शायद सो रहा है या तो बेहोश है। फ्रैंकलिन भी यहाँ पर इससे मिलने के लिए आ रहा है बेचारा। यार ये ट्रैवर ना बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा, मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा खासा ठीक हो गया था, इसको बस एक दिन और हॉस्पिटल के बेड पे स्टे करना था। लेकिन इसको इतनी ज़्यादा खुजली मची हुई थी, ये बदला लेने के लिए सीधा उठ गया भाई डायरेक्ट बेड से, जिस वजह से इसके जितने भी बाकी जो चीज़ें थी इंजेक्शन वगैरह लगने थे वो रह गए और इसकी हालत दोबारा से ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा ही गंदी तरह डाउन हो गया। बट अभी वो कह रहे कि एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ज़बरदस्ती बेहोश कर रखा है ताकि जो 99% ये ठीक हो है ना वो 100% हो जाए, उसके बाद ही इसको ये लोग भेजेंगे। तो यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खाली पीली परेशान हो रहा था। लेट्स गो गाइस, अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं। वैसे यार मैं नीचे क्यों आ गया, फ्रैंकलिन ने ना मेरे को बोला कि अभी ना मैं उसकी गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि भाई मेरी जितनी भी गाड़ी थी वो सारी की सारी भैंस की टांग इस गंजे से अभी तक पैसे, अभी कितने पैसे निकाल रहे हैं तब से देख रहा हूँ भाई साहब, एटीएम में ही लगा हुआ है, कार्ड भी नहीं लगा रखा उस बंदे ने, मैंने देख लिया पता नहीं क्या कर रहा है उसमें, खैर छोड़ो। तो हाँ मैंने फ्रैंकलिन को बता दिया कि भाई अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी है। तो उसने हमें बोला है कि अभी ना तुम कुछ टाइम के लिए मेरी गाड़ी यूज़ कर सकते हो। तो चलो यार फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा इस हॉस्पिटल की पार्किंग पे जहाँ पे फ्रैंकलिन की गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधा लेस्टर की हैकर फ्रेंड के बेस पे, क्योंकि वही अभी एक ऐसी बच्ची है जो कि हमें लेस्टर तक पहुँचा सकती है। और लेस्टर तक पहुंचना ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और मैंने उसे लास्ट टाइम डगन बॉस के हेलीकॉप्टर में देखा था जहाँ तक मुझे पता है। और अगर वो डगन बॉस के पास है तो हम लोग डगन बॉस से कभी भी नहीं जीत सकते। तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर वो रियल लेस्टर है वो फेक लेस्टर है, क्योंकि मैंने दो लेस्टर देखे थे उस सीक्रेट बेस में जहाँ पे डगन बॉस ने अपने टेररिस्ट भरे हुए थे। पता नहीं यार क्या सीन है, कंफ्यूज कर रखा है इन लोगों ने मुझे। ओके तो हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं और ये खड़ी फ्रैंकलिन की कार। फटाफट से गाइस हम लोग इसके अंदर बैठते हैं और जल्दी से निकलते हैं सीधा उस सीक्रेट बेस पे जहाँ पर लेस्टर की हैकर फ्रेंड रहती है। बाकी यार इस गाड़ी को नीचे नीचे कहाँ से ले जाना है भाई, हेलो शायद यहाँ से। ओके ठीक है, तो यहाँ से अपनी गाड़ी नीचे जाएगी। फटाफट से गाइस मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा और आज के आज ही ना मुझे लेस्टर को ढूंढना है और डगन बॉस को मार के अपने प्यारे हस्की का बदला लेना है। वैसे यार वो जो सीक्रेट बेस है ना वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और अभी ना मैंने लेस्टर के फ्रेंड से एक बार कॉल पर भी बात कर लिया है कि आखिर वो बेस पे है भी या फिर नहीं। पता चला हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएँ और वो वहाँ पर है ही नहीं, कहीं और ही गई हुई है। तो उसने हमें बोल दिया कि हाँ वो भी वहाँ पर है नहीं बट पहुँच रही है, तो हम भी इधर से पहुँचते हैं और वो उधर से पहुँचती है। जल्दी से देखते हैं भाई आखिर पूरा क्या सीन है। ओके गाइस लेट्स गो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुँचने वाला हूँ सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस पे जहाँ पे उस टाइम उसकी फ्रेंड बैठी हुई है। तो फटाफट से मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ना, और भाई साहब क्या चला रहा है ये, अभी तो मेरे में लागे ही ठोक देता सीधा अपनी वाली गाड़ी। तो अभी मुझे इस वाले एरिया से अंदर जाना है क्योंकि ये एक शॉर्टकट रास्ता है वहाँ पे पहुँचने का। अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट मोड़ते हैं और गाइस ये है वो जगह जहाँ पर लेस्टर का पुराना सीक्रेट बेस हुआ करता था, जहाँ पे तगड़े तगड़े हैकिंग वाले कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं। तो मुझे अपनी गाड़ी सोच रहा हूँ कि यहीं पे खड़ी कर देनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट सीधा अंदर चलते हैं। काश यार ये वाला गेट अनलॉक हो। ओके गेट खुला हुआ है, यानी कि लेस्टर की फ्रेंड यहाँ पे पहुँच गई है। अभी ना जल्दी से चलकर हम लोग उससे बात करते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार लेस्टर है कहाँ पे, क्योंकि हम लोग उसे कॉल कर रहे हैं उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। यार ये गाड़ी जानी पहचानी छोड़ो, ये अपनी गाड़ी है भाई। हेलो एक सेकेंड, ये गाड़ी से मैं एक रेस जीता था, हम लोग ने एक फ्रांस में जो रेस खेला था
शायद वो यही वाली गाड़ी है, पता नहीं यार, सेम पीस भी हो सकता है, बट ये जो उस पर टेक्सचर हो रखे हैं ना, जिसकी वजह से गंदी सी दिख रही है, ये हमने ही करवाया था बैनी से, बाकी पता नहीं यार, क्या पता ये इसी की गाड़ी। ओके, तो ये बैठी लेस्टर की फ्रेंड, इससे भी हम लोग ना जल्दी से बात करते हैं और पता करते हैं आखिरकार लेस्टर कहाँ पे है। तो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर की फ्रेंड से बात हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से ये भी लेस्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल उसके पास है जो कि इसे चाहिए, बट उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। बट हाँ, इसकी रिसर्च के हिसाब से जितना इसे मालूम पड़ा है, लेस्टर ना किसी आइलैंड पे है और उसने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला है कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और उसे हेल्प चाहिए। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम उसे किस टाइप की हेल्प चाहिए, वो किस आइलैंड पे है। यार हमने एक हफ्ते पहले देखा था वो डगन बॉस के साथ अच्छा खासा काम कर रहा है, मतलब यार बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दिया भाई इस टाइम लेस्टर ने। तो अभी ये कोशिश कर रही है पता करने की, इसने इतना तो हमें बता दिया कि भाई वो लॉस सैंटोस के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगर वो लॉस सैंटोस में होता ना तो ये 2 सेकंड में ट्रेस कर लेती वो कहां पर है और मैसेज कहां से करा गया, बट ये कह रहे कि वो लॉस सैंटोस में नहीं है, जिस कनेक्शन से वो मैसेज आया ना वो कहीं और से ही कनेक्ट है, इसलिए वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है। तो चलो कोई नहीं, हम लोग ना थोड़ी देर यहीं पर वेट करते हैं जब तक ये कोशिश कर रही है पता करने की। बाकी यार इस तरफ में ये जो गाड़ी है ना, मैं 100% कह रहा हूँ यार ये अपनी गाड़ी है, मर्सिडीज AMG जिससे हमने रेस करी थी, यही वो गाड़ी है गाइस जिसको हमने बैनी से मॉडिफाई करवाया था। हाँ, बट ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है लॉक भी है। 1 सेकंड, चाबी भी देती रही है इसकी तसी, हमारी गाड़ी ये चला रही है मैं गारंटी दे रहा हूँ, बट इसे मिली कहाँ से ये गाड़ी। मैं इसको फ्रैंकलिन की रेंज रोवर दे देता हूँ, पर ये गाड़ी भाई मेरी है। वैसे यार गाड़ी छोड़ो, अभी हमें डगन बॉस तक पहुँचना है यार, मैं अभी कहाँ चले जाता हूँ। तो गाइस मैं कार की की लेने ऊपर आया था, पर तभी मुझे लेस्टर की फ्रेंड से एक न्यूज मिली। अब वो गुड न्यूज है या बैड न्यूज है ये नहीं समझ आ रहा, तो मैं इसको गुड न्यूज इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें लेस्टर की लोकेशन मिल चुकी है, हमें मालूम पड़ चुका है कि आखिरकार लेस्टर कहां पर है और अब हम लोग वहां पे जाके उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। बट बैड न्यूज इसलिए है क्योंकि वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, वो एक बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है जहां पर काफी सारे डेंजरस गुंडे भी हैं और उस जगह का नाम है कायो पेरिको आइलैंड, यानी डगन के भाई एल रूबियो का अपना घर, एक अपना अलग ही देश उसने वहाँ बना रखा है जहाँ पर उसके गुंडे भरे पड़े हैं और उसने वहाँ पे लेस्टर को किडनैप करा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई। तो इस टाइम पे ना इसकी फ्रेंड ने एक बहुत तगड़ी प्लानिंग बनाई है जो कि इसने मेरे को पूरी की पूरी बता दी है और आगे की प्लानिंग अभी ये करने में लगी हुई है। तो सबसे पहले जैसा जैसा ये कहता जा रही है ना वैसे वैसे हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डगन बॉस को मार के अपने हस्की का बदला लेना है और लेस्टर को अपने दोस्त को बचाना है तो हमें भाई अभी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो अपने पास कोई प्लान है नहीं, इसलिए ये जो प्लान बता रही है ना इसके प्लान पे चलते हैं और आखिर इसका प्लान क्या है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। फिलहाल कार की मैंने इससे ले लिया है, जल्दी से ना गाइस अभी हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि अभी हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ से पहले मैं अपनी गाड़ी बाहर निकालता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ कि आखिरकार प्लान है क्या। तो हाँ गाइस, प्लान अपना ये है कि सबसे पहले हमें जाना है फोर्ट ज़ानकुडो मिलिट्री बेस और वहां से हमें चुरा के लाने हैं 3 फाइटर जेट। अब उसका का काम है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं। तो आप लोग को याद होगा काफी टाइम पहले हम लोग गए थे सेक्टर 257 जो कि डगन बॉस का मेन टेररिस्ट बेस है, अपने मिलिट्री बेस से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और वहां पर इतनी ज्यादा फोर्स है ना डगन बॉस की कि अगर वो लॉस सैंटोस आ गए तो 2 मिनट में इसे पूरा खत्म कर सकती है। तो इसकी जो फ्रेंड है आप लोग को याद होगा हमने इसको वहीं से रेस्क्यू करवाया था बहुत ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग के साथ, हम लोग मरते मरते बचे थे उस टाइम। तो ये कह रही है कि अगर कायो पेरिको आइलैंड में डगन बॉस है ना तो वो 2 मिनट में अपनी पूरी फोर्स वहाँ पर बुला लेगा, और ये बिल्कुल सही कह रही है। आप लोग को याद होगा जब एल रूबियो डगन बॉस की फाइट हुई थी तो उसने उसके आइलैंड पे अटैक करवाया था और इतना गदर अटैक करवाया था कि पूरा आइलैंड हिल गया था भाई, पूरा भूकंप आ गया था और सबसे बड़ी बात पता भी नहीं चल रहा था कि अटैक हो कहाँ से रहे, पता नहीं कहाँ से बम आके गिर रहे थे भाई, अलग ही कहाँ से लॉन्च हुए थे कोई आइडिया नहीं। तो इसका कहना है कि उस जेट के थ्रू ना पहले हमें उस पूरे के पूरे बेस को उड़ाना होगा, पूरा बेस उड़ाना खैर इम्पॉसिबल है बट जितना हम लोग कर सकते हैं हमें उतना करना होगा। तो ये हमारे जेट में ना एक सेंसर लगा देगी कि जिससे उस बेस के जितने भी AI सिस्टम्स हैं ना वो हमारे जेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वरना वो बेस इतना तगड़ा है ना कि जैसे हमारा जेट वहाँ पर जाएगा ना उसके पास में जाएगा तो वहाँ पर जो मशीन्स लगे हैं ना वो ऑटोमेटिकली हमारे जेट को फोड़ देगी। तो मशीन का काम तो ये कर देगी, बस हमें जाके वहाँ पे निशाने लगाने हैं और उस जगह को फोड़ना है। फिलहाल हाँ,
फ्रैंकलिन को मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी वो भी फोर्ट ज़ानकुडो मिलिट्री बेस पहुंचे और हम लोग बाहर ही मिलेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर जेट चुराने के लिए। लेट्स गो। ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा फोर्ट ज़ानकुडो मिलिट्री बेस। और हाँ, बीच रास्ते में ना मैंने अपनी गाड़ी बदल ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता यार मेरी इतनी तगड़ी एक स्पोर्ट्स कार को कोई भी खरोच पहुंचे। और सीधी सी बात है, इस टाइम हम लोग जा रहे हैं मिलिट्री बेस और वहाँ पर कुछ बहुत गलत सीन भी हो सकता है। फिलहाल इसी वाले पेट्रोल पंप पे मैंने फ्रैंकलिन को मिलने के लिए बुलाया क्योंकि भाई न्यू मिलिट्री करने वाला सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है अकेले जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। फ्रैंकलिन अभी तक तो पहुंचा नहीं है, बट हाँ मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। और वेट, फ्रैंकलिन भी अपनी बाइक लेकर यहाँ पर पहुंच गए। भैंस की, ये कितनी तगड़ी बाइक लेकर आया भाई यहाँ पे। और वैसे यार देखो, मैंने ना अभी मास्क लगा लिया है और फ्रैंकलिन को भी मैंने मास्क लगाने के लिए बोल दिया है क्योंकि हमें अपना मुंह प्रॉपर छुपा के रखना है। चलो भाई, ये अपना गाड़ी में आकर बैठ चुका है, अपने पास पूरे तगड़े वेपन्स हैं, हमें बस मिलिट्री बेस में घुसना है और वहाँ से दो जेट चुरा कर निकल लेना है। बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है भाई ये, बट फिर भी हम लोग आज भाई करके दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। गाड़ी फुल स्पीड में मैं ले जाने वाला हूँ और मैं डायरेक्ट जो उनके वेयर हाउस होते हैं ना, जहाँ पे जेट खड़े होते हैं, सीधा उस वेयर हाउस पे मुझे अपनी गाड़ी पहुँचानी है। बट हाँ यार, वो काम इतना ज़्यादा आसान नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेफ्ट में आप देख पा रहे हो भाई, पूरा मिलिट्री बेस है अपने, बट जो एंट्रेंस गेट है हम लोग वहीं से जा सकते हैं क्योंकि अगर अगल बगल से जाने की कोशिश करेंगे ना तो कुछ पता नहीं है, क्या पता कोई ऑटोमेटिक मशीन या फिर रोबोट्स ड्रोन वगैरह लगा रखे हों जो कि हमें देख लें और कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए हम लोग ना यहाँ का जो मेन गेट है वहीं से अपनी गाड़ी को लेकर जाने वाले हैं। और जहाँ पर चेकिंग होती है ना, वहाँ मैं अपनी गाड़ी रोकूंगा ही नहीं, डायरेक्ट इनका बैरियर तोड़ के हम लोग अपनी गाड़ी को सीधा मिलिट्री बेस के अंदर ले जाएंगे। लेट्स गो। अभी मैंने इसको तोड़ दिया है भाई, गाड़ी तो फुल स्पीड में अंदर आ गई है, बट अभी मुझे ना आराम आराम से आगे को बढ़ना होगा ये देख के कि आगे कोई प्रॉब्लम है। उतरी भाई, मेरे को लेफ्ट को ही जाना है और लेफ्ट में ना एक पैंजर घूम रहा है जो कि प्रॉब्लम कर सकता है। अपनी गाड़ी में यहाँ से राइट को अंदर लेकर चलता हूँ क्योंकि अगर इन्होंने ये कहाँ से आ रहा है भाई, भाई भाई वेट, इसने भाई हमें देख लिया है। मुझे अपनी गाड़ी ना भाई अभी पहले ना यहाँ से छुपा के निकालनी होगी आगे को यार, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस अभी ना फिलहाल वो जो टैंक है वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था, पर अभी उसने तो आना बंद कर दिया, पर यहाँ पर ये लोग गाड़ी कब लेकर आया भाई पता ही नहीं चला। अभी हमें अपनी गाड़ी को ना यहाँ से भगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि पीछे वाली साइड पे हम लोग सेफ हैं। ओ नहीं, सामने तीन तीन टैंक आ चुके हैं, वहाँ की तरफ में तो मैं नहीं जा सकता, मुझे अपनी गाड़ी को भी लेफ्ट ही मोड़ना पड़ेगा। और ये देखो, ये भी टैंक के टायर के ही निशान है, सामने से आ रहा है भाई टैंक, अभी हमारा बचना ही मुश्किल हो जाएगा। वेट 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 भाई, ये फोड़ डालेगा। मैं अपनी गाड़ी यार यहाँ से निकाल रहा हूँ वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ते हैं, वो जो टैंक है ना वो उधर से घूम गए। लेट्स गो, अभी हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल लेते हैं, बट सामने की तरफ में एक टैंक और है, मुझे अपनी गाड़ी को ना यहाँ से अंदर को ही ले जाना होगा। भाई यार हम लोग फंस गए यार खाली पीले मिलिट्री वालों के बीच में, मुझे कोई सीक्रेट रास्ते से यहाँ पर आना चाहिए था। सामने भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, वेट इस गाड़ी वाले को ठोकना पड़ेगा यहीं से बैठे बैठे। मार फ्रैंकलिन, क्या कर रहा है यार, रुक जाओ, सामने ना एक टैंक है अगर। ओ भाई, वहाँ पर उस अपने पीछे टैंक आ गया क्या भाई, अपने पीछे टैंक आ चुका है, मैं अपनी गाड़ी कहाँ ले जाऊँ। वेट वेट वेट, सामने फ्रैंकलिन ने बम फोड़ के गाड़ी को फोड़ दी। अपनी गाड़ी ना यहीं पर हम लोग खड़ी कर देते हैं साइड में, और अभी एक यही जगह मुझे थोड़ी बहुत कवर जैसी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, सामने, ओ भाई वेट, सामने की तरफ में वो आ चुका है, मैं कवर ले रहा हूँ भाई, मुझे नहीं लड़ना वरना कबर ही बन जाएगी भाई। रुक जाओ, यहाँ पर ना एक ऊपर जाने का रास्ता है, इस लैडर के थ्रू हम लोग यहाँ से चलते हैं ऊपर। और अभी ना इनकी मैं बहुत गलत वाली बैंड बजाऊंगा क्योंकि अब टैंक मेरे को नहीं मार पाएगा, टैंक बस फ्रंट में ही अटैक कर पाता है और ज़्यादा ऊंची हाइट पर वो अटैक नहीं कर पाता। ये देखो भाई, नहीं नहीं ये कर सकता है अटैक। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर एक एक करके एक के बाद एक टैंक आए जा रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर देखो भाई कैसे उस पीछे वाली गली में इतने सारे टैंक खड़े हुए हैं, हमें भाई काफ़ी ज़्यादा संभल के इन लोगों से फाइट करनी होगी। नीचे की तरफ में भी काफ़ी सारे बंदे हैं, मेरे पास स्टिकी बॉम्ब है जो कि अभी ना मैं इनके ऊपर मस्त एकदम डालने वाला हूँ। लो तुम्हारी ऐसे की तैसे, ये फूटा बम और ये लोग यहाँ पर मारे गए। भाई ये वाले एरिया में आग लग चुकी है। वेट भाई, वो टैंक जो है ना ऊपर की तरफ में भी अटैक कर रहा है अभी। ओ भाई, पीछे से पूरी गाड़ी आ चुकी है, इनको मैं संभालता हूँ, फ्रैंकलिन उस साइड के बंदे देख रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को तो हमने एकदम मस्त डाउन कर दिया। ओ भाई, पीछे वाली साइड पर ये टैंक वाला खुद ही मरेगा।
ये खुद ही मरेगा जिस तरीके से हम पे फायर कर रहा है ना भाई। इसके टैंक को भी काफी ज्यादा डैमेज, वो फूट गया पीछे के। इसको देखो अबे ओ हेलो, कहाँ जाना चाह रहा है? ऐसे की तस्सी निकल यहाँ से। ये भी गया, सामने से एक गाड़ी आ रही है। एकदम सही टाइम पर स्नाइपर निकाल के ना इसके ड्राइवर के ही मैंने हेडशॉट बजा दिया। अब इसकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंट्रोल और इधर बोल ले भाई गाड़ी फूट गई। इसको मारो भाई, यहाँ तो पूरी आग लग चुकी है। मैं नीचे कूद रहा हूँ भाई। ओ नहीं भाई, मैं नीचे आके गिर गया। उस पूरी जगह में बहुत गदर आग लग चुकी है और ऊपर से भाई ये पूरा का पूरा पोल गिर चुका है। सही है, मैं वहां से हट गया वरना मेरे ऊपर ही गिर जाता। बट वो ये टैंक नीचे है, शायद से टैंक वाला जो सोल्जर है ना वो बाहर आ गया। तेरी ऐसी की तैसी, इसका टैंक ना यहाँ पर अटक गया था। हम भी टैंक में बैठ जाएंगे यार, बट यार वो तो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। हमें ना धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। यार मैं नीचे बहुत, गाड़ी आ गई पूरी, इसकी गाड़ी फोड़ अभी के भी इसकी पूरी गाड़ी फोड़ूंगा मैं। इधर तीर निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो अभी ना गाइस, वो जो थर्ड नंबर वाला वेयर हाउस है ना, वहाँ से हमें जेट में, एक जेट तो यहाँ पे भी खड़ा हुआ है बट ये वाला जेट मेरे हिसाब से सेफ नहीं होगा। हो सकता है हम जैसे ही बैठे वैसे ही हमें टैंक गोली मार दे और हम लोग तुरंत मर जाएं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। फ्रैंकलिन भी अपने पीछे पीछे, मुझे यार फ्रैंकलिन को कवर देना होगा। फ्रैंकलिन इधर ही आता रहेगा, मैं आराम से उसको कवर दे दूंगा। एक और बंदा गया, ये भी गया, लेट्स गो। दो बंदे मैंने डाउन कर दिए हैं। ये ऊपर जाने का एक रास्ता है। इस वाले वेयर हाउस के ऊपर चल के ना पहले थोड़े बहुत बंदे मार देते हैं, क्योंकि रास्ता क्लियर होना ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो अपना ऊपर आ चुका हूँ, बाकी फ्रैंकलिन नीचे की तरफ से हमें कवर दे सकता है। ओ वेट, वापस कहाँ जा रहा है? हेलो, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। ओ नहीं, सामने की तरफ से आ रहे बंदे। एक गया, दूसरा गया और सामने एक पूरी गाड़ी आई है और ये तीसरा वाला भी गया। इस गाड़ी वाले बंदे का जो ड्राइवर है ना, इस पूरे के पूरे ड्राइवर की पड़ेगी। कहाँ गया? ये रहा, लेट के मारना चाह रहा है मेरे को। एक बंदा आ रहा है शॉटगन लेके। ओ नहीं, दो बंदे आ रहे शॉटगन लेके। निकल यहाँ से तेरी ऐसी की तैसी। चलो भाई, वैसे काफ़ी ज़्यादा बंदे हमने मार दिए हैं। मेरे हिसाब से ना अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। शायद से दूसरी वाली साइड पर सीढ़ी होगी या फिर नीचे उतरने का कोई तो सही रास्ता होगा ना। नीचे जाने के लिए यार मुझे ना पाइप पे जंप मारना होगा। आराम से हम लोग इस पर कूद जाते हैं और अभी मैं डायरेक्टली नीचे कूद जाता हूँ। लेट्स गो। फ्रैंकलिन भाई भर भर के अपनी AK-47 इनके बजा रहा है। मैं भी अपनी AK-47 निकाल लेता हूँ बिल्कुल प्यार से। लेट्स गो। AK-47 मैंने अपनी बाहर निकाल दिया। रास्ता एकदम क्लियर है उस वाले वेयर हाउस तक का। बस आगे ऐसा ना हो कि बंदे कैंप करके बैठे हो। मीन्स यार वो जो मिलिट्री वाले हैं ना, वो हमें कभी भी घेर सकते हैं। हम लोग उनके बेस में घुस के उन्हें मार रहे हैं, वो भी इतनी गंदी तरह। यार न्यू मिलिट्री का ओ मस्त गाड़ी मिल गई यहाँ पर। ओ भाई वेट, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। अगर एक भी टैंक यहाँ पर आ गया ना भाई, वो वेट आ गया क्या टैंक भाई? ये सब कौन फोड़ रहा है? वो तेरी भाई। वेट, अभी ना हमें गाड़ी में बैठना होगा। वेट जल्दी से ना, अभी हम लोग उस वेयर हाउस में चलते हैं। ओके, तो ये फ्रैंकलिन कर रहा है भाई। उसने अपने हाथ में ग्रेनेड लॉन्चर ले रखा है और उनसे ये इनको बजा रहा है। फ्रैंकलिन कहाँ चला गया भाई? हेलो गाड़ी में भाई। यार उधर से बंदे आ रहे हैं क्या भाई? अभी ना सामने से एक टैंक आ चुका है। सही टाइम पर मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकल गया क्योंकि इसने हमारी पूरी की पूरी गाड़ी फोड़ डाली है। अभी मुझे इस टैंक वाले को ना रोकना पड़ेगा वरना ये फ्रैंकलिन को मार सकता है। मेरे को तो नहीं मार पाएगा क्योंकि अभी मैं ना इसके पीछे आ चुका हूँ। इसको जो ड्राइव कर रहा है ना, उसी बंदे को मैं पहले यहाँ से बाहर निकालता हूँ। इधर आ तेरी ऐसे की तैसे, टैंक चलवाता हूँ मैं तेरे से यहाँ पे। वो तो भाई निकलते इसने मार दिया एक बंदे। इसके अंदर अभी भी कोई है क्या भाई? इसमें आग लग चुकी है। लेट्स गो। पीछे की साइड पे ना एक और टैंक आ चुका है जो कि हमें कभी भी फोड़ सकता है। वेट। ओ नहीं जाओ। ओ ये देखो, ये मेरे को मार नहीं पा रहा। ओ अगर मेरी बुलेट रुक गई तो ये मेरे को मार सकता है। बट अगर मैं इसका ये जो फायरिंग वाला एरिया है यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली फायर कर रहा हूँ ना, तो उसकी बुलेट उसमें से बाहर ही नहीं। नहीं, अब निकल जाएगी। हाँ अब आ जा भाई, इसकी बुलेट इसमें से बाहर ही नहीं आ रही है और ये पूरा फूट चुका है। बट प्रॉब्लम ये है यार, उससे तो हम लोग बच गए बट यहाँ पर ना दो तीन टैंक आ चुके हैं और वो खटाई खट मेरे बजाए जा रहे हैं भाई। यहाँ पर पीछे निकलना होगा। वहाँ पर एक जेट खड़ा तो हुआ है, वो ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वैसे अगर हम लोग इस वाले टैंक से बच के आगे पहुँच गए ना उस वेयर हाउस तक, तो हम लोग यहाँ से जेट लेके निकल लेंगे। और भाई साहब फ्रैंकलिन ने तो RPG मार के इनका पूरा का पूरा टैंक ही फोड़ डाला है। लेट्स गो। अब भाई फ्रैंकलिन जल्दी से इस वेयर हाउस में आ जा क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया टाइम हमें यहाँ से निकलने का मिलने वाला है। और सामने से एक टैंक उभरा। ओ भाई नहीं, अगर इसने वेट, सही टाइम पर मुझे कवर मिल गया पर ये काफ़ी ज़्यादा बेकार कवर है। नहीं मेरे को पहले छुपना होगा। बस अभी मैं सेफ हूँ भाई। यहाँ पर हो चुका है अभी बहुत ज़्यादा गलत सीन।
एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार टैंक यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम लोग इनसे लड़ने लगे ना तो लड़ते ही रह जाएंगे। फटाफट से हम लोग ना इन जेट में बैठते हैं, इनको लेकर यहाँ से निकलते हैं। वैसे ये थोड़े बहुत बुलेट प्रूफ तो होते ही हैं, मीन्स एक दो आरपीजी के शॉट ये लोग आराम से खा जाएंगे। ओ ये टैंक अंदर आ गया भाई, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। ओ नहीं, इसने एक रॉकेट फोड़ दिया, मीन्स एक जेट फोड़ दिया है। अभी हम दोनों लोग अपने जेट लेकर, भाई मैं तो निकल गया, मैं मेरा हो गया भाई। पीछे फ्रैंकलिन को एक बार ही देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग फ्रैंकलिन को धर ले भाई अपने पास ही। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है फ्रैंकलिन का प्लेन अभी ना उड़ा नहीं है। यार फ्रैंकलिन जल्दी से मेरे पास ले प्लेन, मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। वो अपने प्लेन को एयरलाइन तक तो लेकर आ चुका है, बट अभी तक उसे लेके ना उड़ नहीं पाया है वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। वेट, मुझे उसे बचाने के लिए वापस मिलिट्री बेस में जाना चाहिए, क्योंकि यार उसने अपनी आ गया फ्रैंकलिन भी आ गया, फ्रैंकलिन भी आ गया। ऊपर उड़ा दे भाई, कहीं से भी उड़ा दे, बस उड़ा दे। यार इसका प्लेन उड़ नहीं पा रहा है क्या? फिट, मेरे को लग रहा है उसके प्लेन में कोई तो डैमेज हो गया है। गाइस अभी ना मैं अपने जेट को लेके वापस आ चुका हूँ फ्रैंकलिन को बचाने के लिए, बट फ्रैंकलिन भी फाइनली अपने जेट को उड़ाकर यहाँ से निकल चुका है। तो अभी ना फटाफट से हम लोग ना पहले किसी सेफ लोकेशन पर निकल लेते हैं। फ्रैंकलिन जा रहा है अपना, भाई सामने से ना पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर ने भी आना स्टार्ट कर दिया है, बट इनको नहीं पता कि हमारे पास इस टाइम पर है बहुत डेंजरस मिलिट्री वालों का ही जेट, जिसके अंदर ओ नहीं फ्रैंकलिन की लग जाएगी। ये जो आप शॉट्स देख रहे हो ना गाइस, ये आरपीजी के शॉट हैं, वो भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा फास्ट हैं। अभी ना हमें जल्दी से जल्दी किसी सेफ प्लेस पर पहुंचकर इन जेट को छुपाना है, उसके बाद लेस्टर की फ्रेंड से ना बात करके हमें ये देखना है कि आखिरकार हमें ट्रैक्टर 257 डगन बॉस के सबसे तगड़े बेस पे किस तरीके से अटैक करना होगा। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर की फ्रेंड से बात हो चुकी है और उसने ना हमें एक अलग रनवे पे मिलने के लिए बुलाया है, जो कि थोड़ी बहुत सीक्रेट जगह पे है। तो वहाँ पे ना वो हमारे इन जेट के अंदर वो डिवाइस इंस्टॉल करने वाली है, जिससे कि सेक्टर 257 के जो एयर डिफेंस के डिटेक्टर्स हैं ना, वो हमारे जेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है वो उस पर अटैक भी नहीं करेंगे, और हम लोग ईजिली वहाँ पे घुस के उन लोग को मार सकते हैं। बाकी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा है ये, मैं से ना थोड़ा अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमें इसे वहाँ पर भी चलाना है, इसीलिए मैं पहले से ही इसको एकदम हैवी ड्राइवर की तरह ड्राइव करूँ। वेट, ये कुछ ज़्यादा ही हैवी ड्राइवर ज़्यादा भी। ठीक है गाइस, अपने सामने रनवे है, थोड़ी सी ना हम लोग स्पीड कम कर लेते हैं, क्योंकि अपने प्लेन को भी मुझे लैंड करवाना है। तो लैंड कराने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स ओपन करने हैं, देन स्पीड थोड़ी सी कम करके आराम से इसे नीचे ले जाना है। बट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया यहाँ पे आने में। एक काम करता हूँ, एक ना टर्न और लेकर आते हैं, देन इसको आराम से हम लोग यहाँ पे लैंड करवा देंगे। भाई वैसे इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है एक एयरक्राफ्ट को, स्पेशली एक जेट को उड़ाना। वैसे नहीं, जेट को उड़ाना थोड़ा बहुत आसान है, जो बड़े वाले प्लेन होते हैं ना वो भाई इतनी जल्दी टर्न नहीं होते। तो हाँ, जेट को उड़ाना आसान है उन बड़े वाले प्लेन से। अभी फ़िलहाल हम लोग वापस से उसी जगह पे पहुँचने वाले हैं, और इस बारी जो लैंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा मस्त हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ एकदम परफेक्ट सेट है। बस लेट्स गो, एकदम प्यारी लैंडिंग हमने करवा दी है। हाँ तो पीछे फ्रैंकलिन पहुंचा हुआ है, मुझे पता था इसको। यार फ्रैंकलिन की ना ड्राइविंग हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, चाहे वो प्लेन उड़ाने की बारी हो या फिर एक नॉर्मल ड्राइविंग करने की कार की। तो अपने जेट को ना पहले मैं अंदर लेकर चलता हूँ, क्योंकि शायद से वो अंदर ही ले जाकर इस जेट के अंदर आराम से वो जो हैक वाले सिस्टम्स हैं ना वो इंस्टॉल करेगी। बस तो मतलब ऐसा सीन होगा कि जैसे ही हमारा प्लेन उस रेंज में पहुँचेगा ना, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पीछे क्या कर रही है, अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे हमसे पहले ही पहुँच गई, मुझे लग रहा था कि ये भी आएगी। तो यहाँ पर ये पीछे, ओके काफ़ी सारा सामान लेकर आई है जो कि हमारे जेट में इंस्टॉल करना है। ठीक है, बाकी फ्रैंकलिन भी अपना जेट लेकर यहाँ पर पहुँचा और आराम से बैठ के टैब चला रहा है। भाई लड़ाई होने वाली है भी बहुत ज़बरदस्त। ठीक है तो गाइस, सब कुछ एकदम मस्त सेट हो चुका है। लेस्टर की हैकर फ्रेंड ने अपनी फाइटर जेट में वो डिवाइस इंस्टॉल कर दिया है, जिससे कोई भी सुपरसोनिक वेव इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। बाकी हाँ, इसने ना फ्रैंकलिन को कहीं और भेज दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए। हमें बस मिलिट्री बेस से एक ही जेट चुराना चाहिए था, खाली पीली मैं फ्रैंकलिन को ले गया और दो जेट चुरा के ले आया। तो इसने पहली इंतजाम कर रखा था सेक्टर 257 के ऊपर अटैक करने का। तो इसके पास भी ना कुछ आर्मी है, तो फ्रैंकलिन बस उन्हीं के पास गया है ताकि जब हम लोग उन्हें कमांड दें, तब वो लोग अपने सारे के सारे प्लेन लेकर आ जाएं और उस पूरे के पूरे बेस के ऊपर बॉम्ब गिरा दें। तो भाई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाली एयर स्ट्राइक होने वाली है। लेट्स गो, मैं अपने जेट में बैठ चुका हूँ, जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा सेक्टर 257 टेररिस्ट के सबसे बड़े सबसे खतरनाक सीक्रेट बेस के लिए।
तो सबसे पहले मुझे अपने जेट को भगाना है और आराम से उड़ा देना है। इसको उड़ाने के लिए ज़्यादा रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, हल्के से रनवे पे ही अपना काम हो जाता है। टायर बंद कर देते हैं, बाकी जल्दी से मुझे पहले वहाँ पर पहुँचना है। पहले मुझे अकेले पूरा माहौल चेक करना है, उसके बाद उन लोग को बुला के वहाँ पे खतरनाक वाली एयर स्ट्राइक करवा देनी है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अपने फाइटर जेट P99 लेजर को लेकर पहुँचने वाले हैं टेररिस्ट के सबसे खतरनाक सीक्रेट बेस पे, जिसका नाम है सेक्टर 257। और अब वो टाइम आ चुका है कि हम लोग इन लोग को आराम से निपटा दें। वैसे एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर देखो कि जो उसने डिवाइस हमारे जेट में लगाया था ना, उसके थ्रू इनकी एयरबेस की जो मशीन है वो हमारे जेट को नहीं डिटेक्ट कर पाई और वो इस एयरबेस में आ चुका है। और शायद से आप लोग भी इस जगह को पहचान गए होंगे, क्योंकि यहीं से हम लोग लेस्टर के हैकर फ्रेंड को बचा के ले गए थे, जिस वजह से उससे यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से मालूम है। तो उसने हमें बोला था कि यहाँ पर जितने भी इन टेररिस्ट के जेट हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सारी हमें फोड़ देनी है। तो फर्स्ट पार्किंग इनकी एरी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जेट खड़े हुए हैं। टाइम आ चुका है यहाँ पर RPG शॉट छोड़ने का। ओ भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। यहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर तुम्हारे भाई ने फोड़ दिया है, नीचे की तरफ में एक प्लेन है ना, रुक जाओ, अपने जेट को मैं घुमा के लाता हूँ, फिर इन्हें फोड़ेंगे। तो आगे से मुझे इसे घुमाने के लिए कुछ इस तरीके से टर्न देना है, देन वापस ऊपर करना है। और अब 3, 2, 1 लेट्स गो भाई। चारों तरफ हम लोगों ने RPG छोड़ दिया है, कोई भी गाड़ी इनकी यहाँ पर बचने नहीं वाली। लो तुम्हारी ऐसे की तैसी। ओ भाई, अभी अपना जेट भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था, बट इसको कुछ नहीं होने वाला भाई, ये बहुत डेंजरस है। ओके गाइस, तो अपने जेट को मैं घुमा के ला चुका हूँ, सामने कार्गो प्लेन फड़ा हुआ है, अब इसकी बारी है भाई, लेट्स गो। पूरा प्लेन हम लोगों ने यहाँ पे फोड़ दिया है। तो गाइस, इनके पास जितने भी हेलीकॉप्टर थे वो तो मैंने फोड़ दिए हैं, पर अब बारी है इनके सभी प्लेन ब्लास्ट करने की। पीछे की तरफ में यहाँ इनका एक कार्गो प्लेन भी है, इसको भी हम लोग फोड़ देंगे। और ये गई, ओह भाई ये भी गया भाई पूरा, लेट्स गो। ओके, तो अभी हमें यहाँ से आगे निकलना चाहिए, बट वेट, सामने की तरफ में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है। इधर आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी गाड़ी कैसे चला रहे हो तुम लोग, लेट्स गो। ये भी सारे के सारे गए, अब होने वाली है भाई असलियत भाई, क्योंकि हमें जो चीज़ मिली है ना भाई अपने मिलिट्री बेस से, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। पूरा का पूरा बेस तोड़ डालूंगा। ओ भाई, यहाँ पे गाइस एक बार नीचे देखो, कितने सारे कार्गो प्लेन छोड़ो वो आसमान में। ओ भाई साहब, इन्होंने आसमान में इंस्पेक्शन के लिए, वो देखो क्या उड़ा रखा है, मतलब इंस्पेक्शन के लिए नहीं, स्काउटिंग के लिए उड़ा रखा है इन्होंने। अभी गए अपने, ओ एक भी शॉट नहीं लगा, गया भाई पूरा गायब ही हो गया, ये ऐसा फूटा ये। लेट्स गो, अब बारी है उन सभी कार्गो प्लेन की जिसमें जाते हैं बंदों के बेस पर अटैक करने। और नीचे इनकी वो मशीन लगी हुई है जो कि दूसरे बंदों को मारती है जो सामने से आते हैं शिप वगैरह लेके। बट कोई नहीं, अभी हमें उनको नहीं देखना। अभी गया इनका कार्गो प्लेन का सारा सेटअप, लेट्स गो, उड़ा लेता हूँ भाई मैं। गए सब जाने वाले हैं भाई यहाँ पे सब कुछ, मैं अपने जेट को बस संभाल के रखूँगा थोड़ा। अटैक तो काफ़ी सही से किया था, बट ये काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं, फूटे नहीं एक बार में, पर कोई नहीं, इस बार ये लोग बचने नहीं वाले। सामने की तरफ में भी गए सारे कार्गो प्लेन। अब इनका ये जो कंट्रोल टावर है ना, इस पर तो इतनी मिसाइल छोड़ूंगा ना, ये देखो ये पूरा कंट्रोल टावर ही हम लोग फोड़ देंगे। और लेट्स गो भाई, अभी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आराम से चलाता हूँ। कितने सारे कंटेनर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं भाई, इन सभी कंटेनर के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूँ इनके वेपन्स ही वेपन्स आते होंगे कहीं दूसरी कंट्री से बन के। बट कोई बात नहीं, अभी इसको हम उड़वाते हैं फ्रैंकलिन के थ्रू। सामने एक बहुत बड़ी याच नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शिप है, तीरी ऐसी की तैसी, पूरी शिप फोड़ दूंगा मैं। पूरे शिप में हम लोग बॉम्ब भी बॉम्ब मार के खोखला कर देंगे इसे। ओके गाइस, तो बिना फ्रैंकलिन भी अपने सभी प्लेन्स यहाँ पर लेकर आ चुका है। बाकी प्लेन में लेस्टर की फ्रेंड के जो टेररिस्ट या फिर आप लोग कह सकते हो, ओ भाई यहाँ पर तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बॉम्ब गिराए हैं। अब इनका सारा का सारा सामान भी फूटने वाला है। और मैंने इस टाइम अपने प्लेन में लगा दिया रॉकेट लॉन्चर, सिंपल वाला, जो कि मैं कितने भी फायर कर सकता हूँ भाई। ये लोग अपना प्लेन यहाँ पे घुमा के ला चुके हैं, शायद से अब हमें ना यहाँ से निकलना चाहिए, वरना ये जो बेस है ना कुछ ज़्यादा ही गलत तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा। और बॉम्ब्स पीछे ड्रॉप हो चुके हैं और दोबारा से होने वाला है एक तगड़ा। ओह, ये कहाँ से निकाल दिया मैंने अपना जेट, मेरे को तो लग रहा था भाई मैं गिरने वाला हूँ। बॉम्ब नीचे आ चुके हैं, मुझे यहाँ से दूर रहना चाहिए, पता चला मेरे ही जेट में कोई आके टकरा जाए। अच्छा जी, तो ये लोग यहाँ से टैंक लेकर आ रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। फ्रैंकलिन हरोरो ने भी ऊपर से बॉम्ब गिरा दिए हैं, और तुम्हारे भाई ने वैसे यहाँ पर अकेले इनका काम तमाम कर दिया। चलो भाई, अभी अपना काम हो चुका है, मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर से निकलना चाहिए।
काफी सारी जितनी भी गाड़ियां थी ना इनकी, सारी हम लोगों ने ब्लास्ट कर दिया। बट हाँ, अभी भी इनके पास काफी सारी, ये देखो इन मशीनों की मैं बात कर रहा था, अगर हम लोग यहाँ पर बिना वो डिवाइस लगाए आते ना तो ये लोग हमें आसमान में ही फोड़ देते। तो इन सब चीज़ों के बारे में लेस्टर के हैकर फ्रेंड को अच्छे से मालूम था, जिस वजह से हम लोग ने यहाँ पर आकर डगन बॉस की आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी की गाड़ियाँ और उनके जितने भी जहाँ जहाँ पर वो रहते हैं उन सब जगह को फोड़ दिया। और काफ़ी सारे लोग भी मारे गए हैं जो उन गाड़ियों में होंगे, जो उस जगह पर घूम रहे होंगे और जो उन बिल्डिंग्स में होंगे जिस पर हमने ये पूरे अटैक करे हैं। ओ वेट, सामने क्यों चला रहा हूँ मैं, बहुत डेंजरस है, अभी तो आसमान में फट जाएगी। फिलहाल हाँ, अभी हमें जाना होगा कायो पेरी को, बट एक बारी बात कर लेते हैं उसके फ्रेंड से। ओके गाइस, लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग अपना फाइटर जेट लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा कायो पेरी को आइलैंड पे। मैं एक काम करता हूँ ना गाइस, इस जेट को लेकर वहां जाऊंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इससे डायरेक्टली सीधा जंप मार लेता हूँ नीचे को और पैराशूट मेरे को ना टाइम पे ओपन करके यहाँ पर एकदम साइलेंटली लैंडिंग मारनी है कि किसी को भी पता ना चले। इसीलिए मैंने इतना नीचे आके अपने जेट को, मतलब कि अपने जेट से मैं कूदा हूँ, जेट गया अपना पानी में और मैं यहाँ पर एकदम प्यारी वाली ना लैंडिंग कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी तक किसी भी गार्ड ने मुझे देखा नहीं होगा। वैसे यार वो जो जेट है ना वो बहुत शोर कर रहा था, अगर मैं उसको यहाँ कायो पेरी को आइलैंड की एयरलाइन पे लैंड करवाता ना तो प्रॉब्लम हो जाती। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाली लैंडिंग हुई अपनी। अब बस चुपचाप ना पहले मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, एक बारी ना इधर उधर ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने देखा होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली भाग के मेरे पास आ ही जाएगा। धीरे धीरे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, चारों तरफ नजरें पूरी मैंने गड़ा के रखी हुई है भाग के ना। एक बारी पहले ना मैं गाइस आगे वाली साइड पर दिखाता हूँ जहाँ पर एल रूबियो का घर है, क्योंकि हो सकता है डगन बॉस और एल रूबियो वहीं पर हो। मेरे को ना इधर से किसी की आवाज़ आ रही है, मैं इस टाइम घासों में लेट चुका हूँ और मैंने अपनी गन बाहर निकाल ली है। तो गाइस देखो, अभी ना मैंने ये एरिया एकदम अच्छे से चेक कर लिया है और मुझे अभी तक यहाँ पर कोई भी टेररिस्ट या फिर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आया है जिससे मुझे डरने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है, ओ वेट, सामने से एक गाड़ी आ रही है। एक सेकेंड, इस गाड़ी के अंदर कोई तो बैठा हुआ है। ये बंदा कोई गाड़ी यहाँ से लेकर जा रहा है। ओ भाई, ये तो बहुत तगड़ी कार है। वेट वेट वेट, तेरी ऐसी तेरी भैंस की, मैंने इसकी, गाइस मैंने इसे क्यों मारा, मैंने भाई उसके स्नाइपर का शॉट बजा दिया है। वो कोई तो गाड़ी आगे लेकर जा रहा था, मेरे हिसाब से गाइस वो मर गया होगा। उसकी गाड़ी में थोड़ी बहुत रेस थी, मतलब स्पीड थी, जिस वजह से वो आगे चला गया है, या फिर हो सकता है कि उसका जो पैर है वो रेस वाले बटन पे दबा रह गया। और अभी उसकी गाड़ी कहाँ गई भाई, हेलो, वो काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया। यही एरिया तो अभी मैं चेक करके गया था, यहाँ पर कोई भी नहीं है। भैंस की, ये कौन सी गाड़ी लेकर जा रहा था। वेट, वो गाड़ी में बैठा हुआ है, एक आध बुलेट मैं उसके और मार देता हूँ। और अभी ना गाइस वो डाउन हो चुका है गाड़ी के ऊपर और उसकी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। अगर यहाँ पर और बंदों ने सुन लिया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ भाई साहब, ये बंदा एल रूबियो के लिए कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी रेसिंग कार लेकर आया है। भाई एल रूबियो ना सच्ची में बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला गाड़ियों का फैंस है और उसने ये कार लग रहा है किसी अलग कंट्री से मंगाई है। भाई ये बुगाटी है, हेलो, ये देखो ये लोगो यहाँ पे बुगाटी का बना हुआ है और यहाँ पर साइड में भी बुगाटी लिखा हुआ है, पीछे वाली साइड पे नहीं लिखा, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आई इतनी देर से गाड़ी कौन सी, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। भाई अभी मुझे ये गाड़ी चलानी है, मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो गाइस अभी ना जल्दी से अपनी गन अंदर रख के मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ और ये जो कार है ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। पहली बात तो ये कि ये बुगाटी है और दूसरी बात, बुगाटी बहुत ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा महंगी होती है और ये तो भाई पता नहीं कौन सी बुगाटी है। हो सकता है कि ये बुगाटी वालों की कोई कंसेप्ट कार हो जो उन्होंने अभी लॉन्च ना करी हो, या फिर हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ही पीस बनाओ जो एल रूबियो के पास आ गया है। बाकी हाँ यार, इस गाड़ी का साउंड ना बहुत ही ज़्यादा है, एक बार आप लोग ध्यान से सुनो। और यार बस इस गाड़ी के ना टायर मेरे को उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, जिस हिसाब से गाड़ी की लुक है ना उस हिसाब से टायर थोड़े बहुत पुराने ज़माने के, बट ये एक रेसिंग टायर है इसीलिए उसके साइड साइज में ऐसे एटॉमिक लिखा हुआ है। बाकी हाँ यार, बहुत ज़्यादा ही तगड़ी कार है और मैं ये क्या कर रहा हूँ, वेट, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए। भाई मैं एक काम करता हूँ गाइस, ये गाड़ी तो मैं लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ, बट अभी ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है यार लेस्टर, मुझे उसे बचाना है। इस गाड़ी को ना मैं कहीं तो छुपा के खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि देखो थोड़ी देर में उन्हें मालूम तो पड़ ही जाएगा कि जो बंदा गाड़ी लेकर आ रहा था उस बंदे को मैंने मार दिया है। बट यार ये जो गाड़ी है ना ये उन लोगों के हाथ वापस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इस कार को अगर हम लोग लॉस सैंटोस में ले जाके बेचेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, प्यार से हमें 50 to 60 million dollars मिल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, इस कार को ना मैं यहाँ छुपा देता हूँ।
मेरे हिसाब से किसी की भी नज़र इतनी ज़्यादा इजीली इस पे पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसका कलर भी कुछ ना घास फूस से मिलता जुलता ही है। अभी ना मुझे धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना होगा, अपनी गन बाहर निकाल लेता हूँ। यार लेस्टर को ढूंढना है, अगर अब लेस्टर मिल गया ना भाई, सही बता रहा हूँ, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, हमारे पास बहुत तगड़ी चीज़, हमारे हाथ में समझ लो खजाना लग चुका है। अब बस अपने जिगरी दोस्त को लेकर हमें यहाँ से निकलना है। और एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, वो जो अपनी हैकर फ्रेंड है ना, उसने हमें उसकी लोकेशन बता दी है। मतलब इतना हमें पता चल चुका है कि जो LUBO का घर है ना, वो वहाँ पे नहीं है, बाकी जो आगे वाले उसके वेयर हाउस है ना, जहाँ पर उसका ड्रग्स वगैरह का जो भी वो काम करता है, उन्हीं किसी वेयर हाउस में उन्होंने लेस्टर को बंद करा हुआ है। तो हमें बस वहाँ पर जाकर ना थोड़ा बहुत ऐसे ढूंढ ढूंढ के उसे वहाँ से बचा के निकालना है बाहर को। तो गाइस देखो, अभी ना जितना हो सके उतना मुझे संभल संभल के यहाँ से आगे बढ़ना है और लेस्टर तक पहुँचना है। बाकी हाँ, एक चीज़ का मुझे और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो LUBO के टेररिस्ट हैं, उनको मुझे एकदम साइलेंटली किल करना है, ताकि किसी को मालूम ना पड़े और वो लोग आगे इन्फॉर्मेशन भी ना पहुँचा पाए। और गाइस देखो हमें क्या मिला, सामने दो LUBO के टेररिस्ट हैं और एक तो सामने बिनाकुलर्स लगा के देख रहा है कि कोई आ रहा है या फिर नहीं, और दूसरा वाला खड़े होकर स्मोकिंग कर रहा है। रुक जाओ, तुम्हारी तो मैं बैंड बजाता हूँ। ये मोलोटॉव मुझे इन दोनों के ऊपर फेंक के इन दोनों को एकदम मस्त तरीके से जला देना है। एक को जलाया, दूसरे वाले के ऊपर भी मैंने आग लगा दी है भाई, तीन तीन मोलोटॉव फेंक दिए, लेट्स गो। बेचारे बहुत बुरी तरह जल के मर चुके हैं, ठीक है, थोड़ा वो चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। अगर मैं फायर करता और मान लो मेरा शॉट मिस हो जाता, फिर वो लोग फायर करते, बट हाँ उससे पहले वो लोग आगे कमांड पहुंचा देते कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, और तुरंत गड़बड़ हो जाती। इसीलिए मुझे एकदम आराम आराम से यहाँ से आगे बढ़ना होगा। गाइस अभी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, सामने की तरफ में ना कुछ ब्लैक ऑप्स सोल्जर्स मेरी साइड पे देख के फायर कर रहे हैं। अब मुझे लगता तो नहीं है कि उन्होंने मुझे देखा होगा, हो सकता है कि वो लोग बस ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसी निशाने लगाने की, बट अगर उन्होंने मुझे देखा है ना तो समझ लो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं अपनी स्नाइपर बाहर निकाल लेता हूँ, क्यों, ओ वेट भाई, वो लोग मेरे को ही मारना चाह रहे हैं, उन्होंने मेरे को अच्छे से देख लिया है। रुक जाओ, एक ही रहा, निकल तीरी ऐसी की तैसी, एक गया, यहाँ पर एक बंदा और है, M249 या फिर M416 है, निकल तीरी भैंस की, स्नाइपर वालों से भिड़ोगे तुम। तो यहाँ पर मैंने इसको डाउन कर दिया, तीन तीन बंदे थे भाई, तीनों को भी मैंने मार के गिरा दिया है। वहां पर एक काफी ज्यादा मस्त बाइक भी, यहाँ पर और कोई तो नहीं है ना, ओ भाई मैं बोल ही रहा था यहाँ और कोई है या फिर नहीं, तो अभी सामने से एक बंदे ने शॉट मारा है मेरे, बहुत तगड़ा, इसके स्नाइपर का हेडशॉट पड़ने वाला है। कहाँ से मारी, ओ ओ ओ, ओ वे, 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 भाई साहब झाड़ियों के बीच से मार रहा है, दिख नहीं रहा मुझे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जहाँ से मुझे फायर के शॉट्स आ रहे हैं ना, वो रहा भाई साहब, कहाँ से मार रहा है ये, रुक जाओ, फुल जूम करके आँख ही फोड़ दी भाई मैंने इसके, लेट्स गो। ये भी अपना जा चुका है, और वहीं पर ना शायद उसके आसपास एक बंदा और है जो कि मुझे मारना चाह रहा है, बट मेरे को वो दिख नहीं रहा भाई। अभी ना मैं बाइक में बैठता हूँ, मुझे ना वो जो टावर आप देखो, टावर नहीं है वो एक टैंक है, मुझे उसके ऊपर चढ़ना है, बट यहाँ पर भी तो एक टावर है ना, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। ओ यार वे, मेरी बाइक अटक गई और पीछे से बंदों ने मारना शुरू कर दिया भैंस की, यहाँ पर एक बाइक भी है। हाँ तो मुझे ना इस टावर पे चल के पहले जो आगे की तरफ में बंदे हैं ना उनको डाउन कर देना चाहिए, और टावर पे चढ़ते हुए सभी लोग मुझे देख लेंगे, भाई 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 जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, ऊपर मेरे को कवर मिल जाएगा और हम लोग इजीली इनसे लड़ पाएंगे। अब आ जाओ बेटा, अब अपनी स्नाइपर निकाल के ना ये सारे पिटने वाले हैं, बट ये अच्छा तो यहाँ से मार रहे हैं भाई साहब, रुको, बाय बाय, निकलो यहाँ से आप। तो ये गया, एक बंदा ना यहीं कहीं से और मेरे को मारने की कोशिश तो कर रहा था। यार इधर ना सच्ची में बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, मुझे काफी ज्यादा संभल संभल के यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड और खड़ा हुआ है, आगे अगर मैं जाता ना ऐसे तो ये उस टाइम पे प्रॉब्लम करता, बट सही टाइम पे मैंने इसे देख लिया, और मुझे ये भी नजर आ चुका है ये इसके पीछे, देखो कैसे झांक रहा था, अभी मैंने इसे डाउन कर दिया है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी काफी सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके हैं, मुझे यहाँ से आगे बढ़ लेना चाहिए। बाकी जो आगे का एरिया है ना वो मुझे क्लियर लग रहा है, तो पहले मैं देखो मैं बताता हूँ, पहले मैं इस एरिया पे जाऊँगा, उसके बाद हम लोग वहाँ से जाएंगे राइट वाले वेयर हाउस पे, यहाँ पे लेस्टर को ढूंढेंगे, और अगर वहाँ भी नहीं मिला तो फिर हम लोग जाने वाले हैं ये पीछे वाली साइड, आपको दिख रही है यहाँ पर भी एक जगह है जहाँ पे शिप आती है और दूसरी कंट्रीज से बोट के थ्रू सामान आता है, हम लोग वहाँ पे चल के लेस्टर को ढूंढेंगे। मैं भाई साहब इस टाइम पे इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि इस टावर की स्टेयर्स भी एकदम चुपचाप से क्राउच करके उतर रहा हूँ, ताकि अगर सामने से कोई मारे तो जो बुलेट है ना वो इसके रेलिंग पे लग जाए, मेरे ना लगे। तो अभी जल्दी से ना गाइस हम लोग अपनी बाइक पे, अपनी नहीं इन टेररिस्ट की बाइक पे बैठते हैं और बढ़ते हैं सीधा आगे वाली जगह पे। मुझे फिलहाल यहाँ से तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है उस साइड पे,
बट फिर भी एक बारी आगे चलकर देख लेते हैं। मैंने एक बंदा वहां मारा था, हो सकता कोई आया। किसी ने तो मारने की कोशिश करी है, वो आसपास ही है जहां पर मैंने एक बंदे को डाउन करा था ना, उस जगह के आसपास से ही कोई मेरे को मार रहा है। भाई नहीं, मैं बिल्कुल गलत था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बंदे हैं। फिर मैं बहुत गलत जगह आ गया, अभी देखो कैसे यहाँ पर सीधा मेरे ऊपर शॉट्स फायर होना स्टार्ट हो गए। ओ नहीं यार, मेरे को तो यार समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर अपनी मैं बाइक लेके कहाँ से निकलूँ यहाँ से। एक बंदा पीछे की तरफ में आया था, मैंने इसे डाउन कर दिया है। अभी ना मैं यहीं पर अपनी बाइक को खड़े करता हूँ। एक मिनट भाई साहब, आगे जाने के लिए कवर की भी जगह नहीं है, M416 बाहर निकाल लेता हूँ। अब आओ भाई को। ओ नहीं, यही मार रहा है मेरे को। तेरी ऐसी की तैसी, तू मरा नहीं था, मैं सोच रहा था ये मर चुका है। ओ भाई नहीं, सामने से ना बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, अगर ये मेरे पास आ गए ना तो प्रॉब्लम कर देंगे। इनके यहाँ पर आने से पहले ही मुझे इन सबको मार देना होगा। सामने से एक बंदा मारने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर मैंने मोलोटोव डाल दिया है, अब ये जल के मरेगा। ओ तेरी भाई, राइट लेफ्ट चारों तरफ से बंदे आते हुए। मैं काम करता हूँ ना गाइस, इसके बगल से जाकर ना वहाँ पे मैं डालने वाला हूँ स्टिकी बॉम्ब्स। ओ ये देखो, ये आ गया, मेरी बाइक गई यार, मेरी बाइक अभी जाने वाली है। ये जैसी आएगा वैसी मैं बाइक ब्लास्ट कर दूंगा। वो बंदा पूरा हिल गया लेकिन मरा नहीं, तगड़े आर्मर डाल के आए हैं भाई ये लोग भी। ओके तो अभी एक बंदा मुझे काफी ज्यादा तगड़े निशाने पे दिख चुका है, मैंने बॉम्ब फोड़ा था ना उस चक्कर में चारों तरफ आग लग चुकी है। ये रहा वो, एक गया यहाँ पे, ये दूसरा बैठा है कवर लेके, इसको पता नहीं है कि मैं राइट साइड में आ चुका हूँ और ये मेरे को अभी भी यहीं से मारने में लगा है। तू भी निकल यहाँ से, अभी अपनी M416 बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे गाइस हम लोग ना यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि चारों तरफ काफी ज्यादा बंदे हैं और अगर हम लोग इनसे ही लड़ते रहेंगे ना यहाँ पर तो ये एक एक करके आते रहेंगे और हम लोग बस। ओ भाई वेट, नहीं, काफी ज्यादा ही बंदे हो चुके हैं एकदम पूरा राउंड। ओ नहीं, उनको कवर चाहिए इस टाइम पे। वेट, अभी रीलोड करते हैं पहले। ये आ गया मेरे पीछे, आ गया, यहीं पर है सामने ये, वो मैं बॉम्ब डाल के ना ब्लास्ट कर देता हूँ। वेट, ये डाला बॉम्ब, ये करा ब्लास्ट, अभी ये आधे से ज्यादा बेचारे ऐसे। ओ नहीं, ये रहा भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कायो पेरिको आइलैंड की कि यहाँ पर इतनी ज्यादा घास फूस है ना, कुछ भी सही से नजर। ओ कहाँ जा रहा है, हेलो पीछे था मैं, इसको समझ ही नहीं आया मैं कहाँ पर था। ठीक है तो ये बंदा भी अपना मस्त मारा गया, तो कौन मार रहा है, ये मरा ही नहीं था भाई, कितनी जान है तेरे में है, मरा ही नहीं था तू। ठीक है गाइस, तो भी ना मैंने इन सब लोगों को मार दिया और मुझे इस जगह पे कहीं भी लेस्टर नहीं दिखा। यहाँ पर जो अंदर वाली जगह है ना, ओ तेरी भाई, सामने से आया बहुत तगड़ा स्प्रे, पता नहीं कौन सा किस गन का स्प्रे आया है बट हाँ काफी ज्यादा खतरनाक आया है। यहाँ पर कोई है नहीं यार, मुझे लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पर लेस्टर को बंद कराओ बट लेस्टर यहाँ पर नहीं है। कुछ बंदे यहाँ पर भाग कर आ रहे हैं, इनके आने से पहले ही ना मैं इधर बॉम्ब प्लांट करके रखता हूँ ताकि जैसे ही आए वैसे ही मैं इन बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूँ। लो भाई आधे से ज्यादा ना अभी ऐसे चक्कर खा के गिर जाएंगे और कितने तो बेचारे ब्लास्ट हो गए। यार मैं सोच रहा था कि अपना रास्ता क्लियर हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इन लोग को सबर कहा। इधर आती रही ऐसी की तैसी, वहीं से आके तेरे मैं मारता हूँ, रुक अभी इस साइड छुप रहा है ना, कहाँ गया, यहीं पर तो पीछे भाग गया क्या, अबे ये कहाँ चला गया, मैंने इसे वहीं से। ओ तेरी तेरी दोनों टांगे पहले तोड़ूंगा, अब बचाऊंगा तेरे हैं, बहुत सबसे बड़ा बदमाश बन रहा है यहाँ पे। ठीक है इसको भी मैंने मार दिया है। अभी आगे की तरफ में ना तीन वेयर हाउस है, इसके अंदर चेक करते हैं वो है या फिर नहीं, क्योंकि इसके बाद अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर यहाँ लेसर नहीं हुआ तो वो पक्का वहीं पर होना चाहिए। ओ वेट, वो मार रहा भाई सामने से, अगर मेरे पास आर्मर ना होता ना वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ओके तो ये मैं आ चुका हूँ सामने वाले वेयर हाउस में, जल्दी से इसके गेट ओपन करते हैं। मेरे को लग रहा था यहाँ पर लेस्टर हो सकता है बट लेस्टर इस साइड पे तो नहीं है, आगे की तरफ में ना शायद से एक आध वेयर हाउस और है, हो सकता है उसके अंदर लेस्टर को इन लोगों ने बंद कर रखा हो, तो मेरे को उसके अंदर भी चल के उसे ढूंढना होगा क्योंकि यार। ओ भाई देखो कहाँ पर छुपा हुआ, एक दो घासों के बीच में एक कॉर्नर को पकड़ के बैठा हुआ है बंदा और मारने ही वाला था मेरे को बट हाँ सही टाइम पर वो मेरे को नजर आ गया और मैंने उसकी पहली खोपड़ी तोड़ डाली। ठीक है यार ये एरिया भी पूरा चेक कर कर लिया है मैंने और यहाँ पे भी लेस्टर नहीं है। इस तरफ में ये जो गैस सिलेंडर्स है ना बड़े बड़े, इनको भी हम लोग यहाँ पे ब्लास्ट कर देंगे, पूरी तबाही मचा दूंगा भाई क्योंकि अभी इन लोग को मालूम पड़ ही चुका है मैं आ गया हूँ तो फिर फायदा क्या छुपने का। तो गाइस वो लोग ना भाग के दूसरी वाली साइड से इस साइड पर आ चुके हैं, मैं अपना यहाँ पर ना चुपचाप से लेट जाता हूँ और अभी मुझे वो सामने नजर भी नहीं आ रहे यार सही से। वेट यहाँ पर इन लोगों की खोपड़ी तोड़नी पड़ेगी और मेरे को ये वाली पीछे भी कोई है मेरे, वेट पीछे से भी शायद मेरे को कोई मारना चाह रहा है, कौन है भाई। ओके तो इन सब बंदों को मैंने डाउन कर दिया है, अभी ना जल्दी से हम लोग ये वाली रिवर क्रॉस कर लेते हैं, इधर काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। अब मैं 100% श्योर हूँ कि लेस्टर यहीं पर होगा
क्योंकि भाई मैं यहाँ पर पहुँचा नहीं, ये लोग ने पहले मुझे मारना शुरू कर दिया इस तरीके से कि जैसे इनको, हाँ सच्ची में यही पता हो कि मैं लेस्टर को ही बचाने आया हूँ। मेरे को लग रहा था इधर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, बट यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ओ नहीं नहीं नहीं, आया आया, मारा किसी ने मेरे को सामने से। यारा इधर ओह निकल यहाँ से, चल तेरी ऐसी की तैसी, इसको तो नचा दिया पूरा। यहाँ पर जितने भी बॉम्ब्स वगैरह हैं ना, जितने भी सिलेंडर्स हैं, सबको भी हम लोग ना एकदम मस्त ब्लास्ट कर देते हैं, ताकि ये जो लोग छुप छुप के दिखा भाई, दिखा दिखा दिखा, अभी तो मरा ही नहीं था, चलो मर जाएगा ये। हाँ तो मैंने इसको मारने के लिए स्कोप ओपन करा था अपना, ये बंदा भी डाउन हो चुका है। बट हाँ यार, जितना मैंने सोचा था उतनी सिक्योरिटी तो इधर नहीं है, और ना ही मुझे आगे कोई और बंदे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यार अगर लेस्टर यहाँ पे भी नहीं है तो फिर वो कहाँ होगा यार, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो यही लग रहा था कि या तो वेट, एक जगह और है जहाँ पर शिप से मींस दूसरी कंट्री के बंदे लाए जाते हैं। ओके तो वो जगह मेरे को तो लग रहा था ये मेन है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा उधर ऐसा शिप आने का एरिया बना हुआ था, बट यहाँ पर एक टर्मिनल और है जहाँ पर शिप आती है और सारा का सारा माल यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो भी जल्दी से ना इस गाड़ी को लेकर हम लोग वहाँ पर चलते हैं, और अगर वहाँ पर सिक्योरिटी हुई ना तो पक्का है लस। ओ भाई यहाँ सिक्योरिटी नहीं, यहाँ तो महा सिक्योरिटी। वेट भाई साहब, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बंदे पहले से ही बैठे हुए हैं। वे चढ़ जाइए ऊपर भाई, रुकियो मैं, यार ये गाड़ी मरवाएगी, गाड़ी फोड़ देंगे भाई, गाड़ी ही फोड़ देंगे पूरी। जैसे ही मैं गाड़ी लेकर आया ना, वैसे ये सारे के सारे पेड़ के पीछे जाके छुप गए हैं, क्योंकि इन लोग को मालूम है ना कि पेड़ को तो मैं ठोक के गिरा नहीं पाऊंगा ना यार। मैं भाग रहा हूँ यहाँ से भाई, मुझे नहीं पता, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लोग हैं। और वैसे भी ये तीसरा टर्मिनल नहीं है, बस ये एक चेक पॉइंट था जहाँ पे लोगों की चेकिंग होती है। यहाँ पर तो लेस्टर किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बंद करने के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं। अभी गाइस, ओ तेरी, अभी मुझे समझ आ गया भाई लेस्टर कहाँ पर है। अब मैं 100% श्योर हूँ ये जो थर्ड टर्मिनल है ना, लेस्टर यहीं पर है। ऊपर की तरफ में काफ़ी सारे बंदे मुझे नज़र आ गए हैं, ये देखो तीन तीन सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बैठे हैं। एक को मैंने मारा हेडशॉट, दूसरे वाले ने मुझे शायद से देख लिया है, बट वो अपनी M416 से इतनी दूर मुझे नहीं मार पाएगा। वहाँ पे एक बंदा और है जो कि शायद से कवर ये रहा, तू भी निकल यहाँ से। तीन बंदे मैंने डाउन, अपनी स्नाइपर लेकर ही आगे बढ़ते हैं। मैं ना यार अभी दोनों साइड से बहुत बुरा फंसने वाला हूँ, ये देखो मैं बोल ही रहा था और वो हो गया। पीछे से भी बंदे आ चुके हैं और सामने से भी बंदे मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। लेट्स गो, तीन चार बंदे थे, इनको मैंने डाउन कर दिया है। चलो पीछे का एरिया क्लियर हो चुका है, अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। ये गाड़ी लेके आगे तो नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कबाड़ कार है भाई साहब, पत्थरों पे अटक गई थी और ऊपर भी नहीं चढ़ पा रही थी। मरते मरते बचाऊँ भाई, इसमें बैठूंगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वेट, यहाँ पर बहुत बंदे हैं गाइस, आगे की तरफ में ना काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं जिन्हें मैं शायद से अकेले नहीं हैंडल कर पाऊंगा, इसीलिए मैं अपना इधर पीछे झाड़ियों में आके छुप गया था, ताकि मैं एटलीस्ट सेफ रह पाऊँ। बाकी अभी ना मैंने फ्रैंकलिन को कॉल करके ये पता करा है कि आखिरकार वो कितनी देर में यहाँ पहुँच रहा है, और वो कह रहा है कि वो तो आ ही रहा है, बट ट्रेवर को ना ये बात मालूम पड़ चुकी है कि लेस्टर को बचाने के लिए हम लोग कावे पैरी को गए हैं, और वो कह रहा है कि ये सुनने के बाद ही वो हॉस्पिटल से सीधा गाड़ी लेके निकल गया, और जहाँ तक है वो यहीं पर आ रहा है हमारी हेल्प करने के लिए। एक तरीके से अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम की बात यह है कि ट्रेवर की हालत खुद ठीक नहीं है, वो भी हॉस्पिटल से एकदम सही हुआ नहीं है, और उल्टा वो हमें बचाने के लिए आ रहा है। बाकी यार आगे की तरफ में ना यहाँ पर कुछ बंदे खड़े हैं मेरे को नज़र, ओ वेट सामने वो देखो बंदा खड़ा हुआ है, और वहाँ पर ना देखो कुछ, मैं पहले ना यार पेड़ का कवर ले लेता हूँ, क्योंकि अगर इन लोगों ने देख लिया ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी ठीक है, तो सामने वो देखो वहाँ पर ना एकदम मस्त इन्होंने कुछ जेल टाइप बना रखा है, शायद से लेस्टर अंदर ही हो, तो इनका सिर अभी मैं खोल देता हूँ भाई। एक बंदे को मैंने मार दिया है, बट यहाँ पर इन लोगों ने मुझे देख लिया, ये भी गया, एक और गया, यहाँ पर इसके भी मैंने हेडशॉट मार, वो भाई 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 इनके तगड़े आर्मर है, एक एक स्नाइपर के हेडशॉट में भी ये लोग डाउन नहीं हुए भाई। जो चीज़ नहीं मैं चाह रहा था वही होगी, मैंने उस पर क्यों चलाई, मेरे को वेट कर लेना चाहिए था। या नहीं, आगे की तरफ में भी जो बंदे हैं उन्होंने मुझे देख लिया है, और अभी इनको भाई स्नाइपर मारने से बढ़िया ना मैं अपनी M416 निकाल के स्प्रे बजा देता हूँ भाई उसका, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार में काफ़ी ज़्यादा बंदे मारे जाएं। मेरे पास M249 है, मैं इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ, ताकि मैं इनके एकदम मस्त M249 के शॉट्स बजा पाऊँ। इस बंदे को मैंने डाउन कर दिया है, यहाँ पे कवर तो मेरे को मिल चुका है, बट ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे ही चलते हैं।
यहाँ पर ओके ओके ओके, तो यहाँ पे मैं कवर ले सकता हूँ भाई, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है अपनी भी। तो अभी ना इन लोगों ने चारों साइड से मुझे घेर लिया है, यहाँ पर मैं इनके ऊपर बॉम्ब ही बॉम्ब मारने वाला हूँ। लोटी मारी ऐसे कुछ, इस साइड से आ रहे हो ना, ये लो तू भी बॉम्ब ले। ये उड़ के आ गया इधर, अब बस इसके चक्कर में ना घास में आग ना लग जाए। तो यहाँ पर एक बॉम्ब और गया, ओ एक चलती रही ऐसी की तैसी। यहाँ पर इनको भी मैं एकदम मस्त बॉम्ब से मार रहा हूँ। तो इस साइड से कोई आ, यहाँ से कौन आ गया, तीरी ऐसी की तैसी, ठीक ही नहीं रहा भाई कहाँ पर। ओ ये रहा भाई साहब, यहाँ से मार रहा है घास में छुपके। तीन चार बंदे यहाँ पर और बचे हैं, इनको भी बस मैंने समझ लो ऑलमोस्ट डाउन कर ही दिया है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद यहाँ, ओ तेरी भाई ये घासों में लेटा पड़ा था भाई, आराम से लेट के हमसे लड़ना चाह रहा था ये। ठीक है मेरे पास थोड़े बहुत और स्टिकी बॉम्ब है, और मुझे ऐसा लग रहा है आगे की तरफ में ना कोई तो बंदा है, जाते ही सीधा उसके स्टिकी बॉम्ब मैं बजा दूंगा। मुझे लग रहा था कोई होगा, ओ तेरी वो बंदा वहां अंदर है, और शायद से ये वाली जो जगह है ना ये लॉक नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर गए तो सीधी सी बात है जगह खोल के गया होगा। मुझे आराम से ना यहाँ पर थोड़ा सा ना डाई मार के अंदर जाना है और इस बंदे को डाउन कर देना है, लेट्स गो। शायद से यही एक लास्ट बंदा बचा हुआ था, इसको भी मैंने मार के इसका खेल कर। ओ नहीं भाई यहाँ पर ये लेस्टर, ये जिंदा है बट मुझे ऐसा लग रहा है इसको बेहोश कर दिया इन लोगों ने। ये देखो गाइस, ये क्या ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, इन्होंने उसे यहाँ पे बंद कर रखा है और उसे चैन से वाले सिंपल से गेट पे लॉक लगा रखा है। यार अभी मैं इसे कैसे ओपन करूँगा ये गेट को ना, हम मेरे को अगर रेंच मिल जाएगा ना तो मैं ये जो चेन है इसे काट दूंगा, बट रेंच यहाँ कहाँ मिलेगा। अरे यार वो देखो रेंच अंदर ही पड़ा हुआ है यार, अगर लेस्टर को होश होता ना तो वो हमें रेंच दे देता या फिर इसे काट के ओपन कर लेते। अभी मैं क्या करूँ यार इसे, हम लोग कैसे हो, क्या मैं गाड़ी अंदर ला सकता हूँ यहाँ पे, नहीं यार ये काफ़ी ज़्यादा छोटी जगह है। अगर एक आध बाइक मिल जाएगी ना तो शायद अपना काम हो जाएगा, बट यार यहाँ पे बाइक कहाँ ही मिलेगी। ओ वेट, मैं इसको शायद से ना वेल्डिंग करके, देखो पता है मैं चाहूँ ना तो एक स्टिकी बॉम्ब है ना इसके थ्रू भी इस गेट को ओपन कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका डैमेज अगर लेस्टर को पहुँचा तो वो हो सकता है यार जल जाए इससे। ओके गाइस, तो बिना फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसे वेल्डिंग करके ओपन कर दूँ, शायद इससे अपना काम हो जाएगा और ये जो चेन है वो कट जाएगी और हम लोग लेस्टर को बचाकर यहाँ से निकल लेंगे। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे वेल्डिंग करके ये वाली चेन तोड़ दी है और ट्रेवर भी यहाँ पर आ गया है। चलो भाई ये भी ठीक है, अभी गेट तो ओपन हो चुका है, अब हमें बस ना लेस्टर को यहाँ पे उठाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने ना लेस्टर के ऊपर इंजेक्शन वगैरह लगा के इसे बेहोश कर रखा है। गाइस अभी ना फिलहाल ट्रेवर टेररिस्ट की कोई बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी उठाकर ले आया है और इसने ना लेस्टर को भी गोदी में उठा के ले गया और इससे टैंक के अंदर बिठा दिया है, क्योंकि सीधी सी बात है यार इसके अंदर वो बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। बाकी अभी ना मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया है एलयूबीओ के घर के पीछे वाली साइड पे आने के लिए, ताकि वो हमें वहां से टेक कर ले और साथ ही हम अपनी गाड़ी जो है ना खतरनाक वाली बुगाटी उसको भी वहां से लेकर अपना निकल लें। तो ट्रैवर अभी सबसे पहले हमें वहीं पर लेके जाने वाला है, बस बीच रास्ते में ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे प्रॉब्लम क्यों होगी, यहां पर जितनी सिक्योरिटी थी मैंने ऑलमोस्ट सबको तो मार डाला है, मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं बोल ही रहा था बट यहां पर ये देखो भाई साहब, यहां पर बीच रास्ते में और भी काफी ज्यादा बॉडीगार्ड्स आ चुके हैं। मुझे ना अभी सही करा भाई ट्रैवर ने गाड़ी लाकर, अभी मैं इजीली इस गाड़ी में ही देख रहे हो भाई चार चार मशीन गन लगी हुई है और ट्रैवर भी, ओ तेरी आराम से भाई आराम से रुक जा, मैं देख रहा हूँ निकल, ये भी क्या इसको भी हम लोग मार देते हैं भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अभी भी बची हुई थी भाई, हमें इस आइलैंड से ना जल्दी से जल्दी निकलना होगा क्योंकि कुछ पता नहीं है यहाँ पे कितने टेररिस्ट हैं भाई। ओ किसने मारा इसकी टांग, पीछे तो और बंदे भरे हुए हैं। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पे आगे आकर मैंने ये अपनी बुगाटी तो उठा लिया है, बट प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी हमें ना वापस वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ से हम लोग अभी उन टेररिस्ट से बच के आ रहे हैं। और वापस इसलिए जाना है कि फ्रैंकलिन ना गाइस कार्गो प्लेन लेकर आ रहा है और पीछे वाली साइड पे कार्गो प्लेन कहीं पर भी लैंड नहीं कर सकता है। फ्रैंकलिन को लग रहा था कि यहाँ पर अभी और बंदे बचे हैं, इसलिए उसने कार्गो प्लेन में ना थोड़े वेपन्स भर लिए थे। तो अभी ना हमें वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि कार को प्लेन लाइन पे लैंड होगा। वैसे यहाँ पर अभी ज़्यादा सिक्योरिटी है नहीं, ड्राइवर भी अपने पीछे पीछे आ ही रहे गाड़ी लेकर और उसकी गाड़ी में लगे हुए हैं खतरनाक वाले वेपन, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उन वेपन्स को यूज़ कर लेंगे। यार मुझे लग रहा है ना हमने बहुत ज़्यादा बंदे मार दिए हैं, तो हो सकता है वो बेचारे डर के मारे घर में ही बैठ गए। ड्राइवर भाई तू आ जा, हम दोनों साथ साथ चलेंगे ना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर एक भी बंदा आगे पीछे हो ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ना मैं थोड़ा अलग अलग रास्तों से जा रहा हूँ,
ताकि वो लोग हमें ढूंढ ही ना पाए कि हम लोग कहाँ से आए। उनको लग रहा है कि अभी हम लोग आगे को गए हैं, बट हम लोग अपनी गाड़ी को ना पीछे वाले पतले पतले रास्तों से लेकर जा रहे हैं, मतलब एकदम फार्म से यहाँ पर जो बने हुए हैं ना उसके बीच बीच से। तो ड्राइवर भी आ ही गया एकदम, बस यहाँ से राइट को, लेट्स गो। तो यार एक छोटी सी प्रॉब्लम और हो गई कि ट्रैवर और लेस्टर का टैंक हमारी बुगाटी से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया है। भाई मैंने ना इसे सीधा फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बैक साइड पे काफ़ी सारे टायर्स ना रोड ब्लॉक करके बैठे हुए थे, और जो बाकी बच्चे कुछ रास्ते थे वो भी ब्लॉक करने जा रहे थे। तो मैंने सीधा अपनी गाड़ी को भगाया, बट यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभी वो लोग अपने टैंक को भगा पाए या फिर नहीं। अभी तक मुझे उनका टैंक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यार मुझे ना वापस जाना चाहिए, हो सकता है यार उन्हें उन टेररिस्ट ने पकड़ लिया हो। अब यार देखो वापस नहीं गई तो एकदम काम खराब हो जाएगा ना। ओ वेट, वो लोग आ गए। हो भाई ये भी ठीक है। यार देखो पता है सीन क्या है, मेरे को भी ना ये बुगाटी चाहिए तो चाहिए, और इसको बचाने के लिए मैं, यार नहीं यार लेस्टर ट्रैवर को नहीं छोड़ेंगे यार इसे बचाने के लिए, गाड़ी तो फिर भी बाद में आ जाएगी। और सामने वो रहा कार्गो प्लेन जो कि फ्रैंकलिन हमारे लिए लेकर आया है, तो जल्दी से अपनी गाड़ी को इसी कार्गो प्लेन के अंदर लोड करवा देते हैं, लेट्स गो। सब कुछ अभी हो चुका है, अभी ट्रैवर जल्दी से ले आ भाई तू भी अपनी गाड़ी अंदर, मैं अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी करवा देता हूँ। भाई साहब फाइनली हम लोगों ने घर दिखाया और ट्रैवर भी अपना टैंक अंदर लेकर आ चुका है। बस बस ओ भैंस की क्या यार, इसकी ड्राइविंग बहुत ख़राब है। लेस्टर भी यहाँ पर अपना बैठा हुआ है, उसकी हालत अभी मेरे को पहले से ठीक लग रही है। ओके तो ट्रैवर और लेस्टर अपना नीचे ही है, मैं आ चुका हूँ ऊपर कॉकपिट में प्लेन ड्राइव करने के लिए, फ्रैंकलिन यहाँ पर बैठा हुआ है। ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेन के अंदर और इंजन मैंने प्लेन का स्टार्ट कर दिया है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार फ्रैंकलिन ने इस प्लेन को यहाँ पर लैंड कैसे करवाया, क्योंकि दोनों साइड ट्री हैं। पता नहीं यार ये कुछ अलग ही हाईवे ड्राइवर है, वैसे भी कार्गो प्लेन है तो कुछ अलग। ओ वेट वेट वेट, अच्छा ये भाई साहब जी इस कार्गो प्लेन को फुल रोटेट करके यहाँ पर लाए थे, और पूरा रिस्क लेकर मैंने इसे भी यहाँ पर भाई उड़ाया है, मतलब कि हल्का सा भी रनवे यूज़ नहीं करा, तुरंत फुल केयर पे डाला और इसे मैंने उड़ा दिया है। बाकी हाँ यार जो भी हुआ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ, हमने एकदम प्यार से लेस्टर को बचा लिया। वैसे एकदम प्यार से नहीं भाई, पहले हमने उनकी पूरी सिक्योरिटी फोड़ दी। मुझे पता है क्या लग रहा है कि जब वहाँ पे अटैक हुआ था ना तो एल रूबियो और डगन बोस वो देखने गए होंगे वहाँ पे कि आखिरकार हुआ क्या है, तो सारी सिक्योरिटी वो अपने साथ लेके चले गए होंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी बची नहीं, और लेस्टर को हमने सही टाइम पर आकर यहाँ से बचा लिया, यानी कि हम लोगों ने उन्हें पूरा कंफ्यूज कर दिया। बट हाँ यार जो भी है काफ़ी ज़्यादा मस्त है, लेस्टर भी अपने पास वापस आ चुका है, ट्रैवर भी हॉस्पिटल से ठीक हो गया है, और फ्रैंकलिन तो एकदम है ही बढ़िया। बाकी अभी ना मुझे एक बारी बिग माफिया के भाई से मिलना होगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो गया कहाँ। भाई अच्छा खासा वो तो कह रहा था अब एकदम सब कुछ बढ़िया हो चुका है, बट तब से वो दिखा नहीं जब से डगन बोस और एल रूबियो दोनों मिल चुके हैं। हो सकता है ये दोनों अब हमारे ऊपर वापस अटैक कर दें, या फिर हो सकता है वो बेचारे हमसे डर के ही भाग जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो चुके हैं। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.2 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा लेट्स गो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ओके गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।